गुड मॉर्निंग माई टू फैमिली, तो वेलकम है आप सभी का रश्मि चौधरी के ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, जो कि बना रही हूँ मैं बेसन का चीला और चाय। हमारा बेसन का चीला और चाय मस्त उबाल आ रहा चाय में। आजकल ब्रेड खाना बंद कर दिया है कुछ टाइम से, और 2 वीक लगभग हो गया है, और मैं रेगुलर फॉलो कर पा रही हूँ। मतलब नहीं तो सुबह सुबह मैं चाय और ब्रेड का ही नाश्ता करती थी, जो कि मतलब डेली ठीक नहीं, कभी कभी ठीक है, बट डेली बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरा। तो अभी मैंने थोड़ा सा स्किप किया है ब्रेड को, बिकॉज मैं पहले ना मैं दाल के चीले बनाती थी, पहले भी ब्रेड नहीं खाती थी, तो मैं दाल के चीले बनाती थी, मतलब सारी मिक्स दाल करके, या कुछ सिंगल दाल, या कुछ भी मतलब से पालक सारी वेजिटेबल्स डाल के। तो बहुत कटिंग फिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, पीसने में बहुत टाइम जाता था। तो मैं यार सुबह के हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो बेटर है बेसन के चीले बनाओ, मस्त हेल्थ अच्छा बनता है। तो अभी मैं डेली यही बनाती हूँ, चाय और बेसन के चीले से नाश्ता करके दिन भर मैं फ्री रहती हूँ। बीच में कुछ भी बाहर गए, जूस वूस पी लिया, तो मेरा लंच स्किप इसलिए हो जाता है। तो मैं बस ये बना रही हूँ खा के नहा के, एंड फिर मैं आज जाऊँगी नए गाँव, क्योंकि फिर वापस 4 दिन मैं बिजी रहूँगी, तो मेरा फिर से शूट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आज जाके कुछ वीडियोस शूट करके आती हूँ, क्योंकि बैकअप ख़त्म होने वाला है मेरे पास में। तो निकलते जल्दी से नाश्ता करते। तो गाइस मैं घर से निकल गई हूँ, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि मुझे ना 2 बजे तक पहुँचना है गोरेगांव स्टेशन, बिकॉज 2 बजे की विरार की ट्रेन है, नहीं तो फिर से आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। अगर मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा, और फिर आगे और लेट होना है, क्योंकि मुझे फटाफट से वीडियो बना के फिर रिटर्न भी आना है। तो बहुत सारा भगदौड़ हो जाती है, बहुत थकान भी हो जाती है, तो ट्रैफिक तो बस आगे ना मिले, फटाफट से पहुँच जाऊँ ताकि मुझे 2 बजे वाली ट्रेन मिल जाए किसी भी तरह। फाइनली मैं टाइम से स्टेशन पहुंच गई हूँ, अभी भी 2 मिनट है विरार वाली ट्रेन आने में, तो अभी तो बोरीवली की आएगी। तो चलो अभी आज इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आधा आधा पौना पौना घंटा वेट करना पड़ेगा, तब जाके विरार की ट्रेन आती है। तो आज थोड़ा कम टाइम, जल्दी पहुंच जाऊंगी मैं, तो बस अभी वेट करना है 9 मिनट और, उसके बाद फिर ट्रेन आएगी मेरी। चलिए मिलते, फोन रख लेती हूँ, नहीं तो ना मुझे मैं ब्लॉग बनाने लगती हूँ यहाँ पे, और मुझे डर लगता है कि किसी दिन मेरा फ़ोन लेके कहीं भाग गया यहाँ से, तो मेरी लग जाएगी अच्छी वाली बैंड बजने में फंस जाएगी, तो इसलिए यहीं पे बंद करती हूँ पहले, और सीधा नायका जाके मिलती हूँ आपसे। गाइस मैं डिंकी के पास में पहुँच गई, और डिंकी का ऐसा मुझे लगता है कि ये पता नहीं कौन से, इधर आ जाओ थोड़ा लाइट का देखना पड़ता है, तो इसका मतलब ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन से जाके उसमें दुनिया में रह रही है। कौन सुने, मैं नायगांव में रहती हूँ। मैं सोचो घर से निकली थी कितना, 1:20 पे, और मैं यहाँ पे 3:30 पहुंची हूँ। तो ट्रेन नहीं मिली तुम्हारे यहाँ पे? हाय रब्बा, अभी तो सच में ऐसा लग रहा है कि गाड़ी लेना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ट्रेन के भरोसे मतलब आप नहीं रह सकते हो, सच में बहुत ज्यादा परेशान करती है। मतलब अंधेरी से काफी ट्रेनें होती है, लेकिन गोरेगांव से बहुत दिक्कत होती है ट्रेन मिलना, मतलब क्योंकि सारी बोरीवली मिलती रहती है, विरार वाली आती नहीं है। तो मैं इतना मतलब इंसान ना वहाँ बैठा बैठा ही थक जाएगा, जबकि मैं देख के आई थी घर से कि मतलब 2 बजे वाली ट्रेन है, 2 बजे वाली ट्रेन आई ही नहीं, सीधा 2:22 पे ट्रेन आई सीधा, मतलब मैं कितना 45-50 मिनट वहाँ पे बैठी हूँ सोचो, और इतनी देर में तो घर से यहाँ तक टाइम नहीं लगता आने में। मैं ऑलरेडी थक गई, तो मैडम एक दिन तो लाइट ठीक करो, फिर दोनों को बराबर वेट करना पड़ेगा अब मैं लाइट ठीक करवाऊंगी, अब एक दिन तुम आओगी और एक दिन मैं आऊंगी, अब करना ही पड़ेगा ऐसे, क्योंकि बहुत थक जाते हैं यार। मतलब ऐसे यहाँ पे आने के बाद ना कुछ और करने की एनर्जी नहीं रहती कि यहाँ पे आओ फिर रेडी हो फिर वीडियो बनाओ फिर वापस जाओ, फिर नहीं हो पाता है, बहुत हैक्टिक है बाबा। ट्रेन की वजह से गाड़ी लेनी पड़ेगी, जल्दी गाड़ी निकालती हूँ, सोचना पड़ेगा कौन सी गाड़ी लें, जल्दी लेना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाते हैं, ऑलरेडी 4:30 मतलब हाँ 4 बज चुके हैं, तो रेडी होते हैं, और 26 जनवरी के लिए वीडियो बनाना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए थे, थोड़ा सा मैं बिजी थी शूट में, तो इसलिए मैं बिजी थी तो मैं नहीं बना पाई। तो आज हम पहले 26 जनवरी का वीडियो बनाएंगे, एंड फिर घर जाऊंगी मैं। कुर्बानी को भी जाया नहीं कर सकते ना, और आपको तो खुश होना चाहिए कि आप जैसी बहादुर पत्नियों की वजह से हमारे जो फौजी भाई हैं उनको हिम्मत मिलती है, और वो हमारे देश की रक्षा कर पाते हैं। देखा क्या देखेंगे ना, क्या बताएंगे, एक्शन भाभी देश की टेक टू कंटिन्यू। ओ मूड बनाता है आज, मेरे मूड को पता नहीं क्या हो गया। भाभी
भैया देश के लिए ही तो शहीद हुए थे, और आज हमारे देश का इतना बड़ा त्योहार है, तो हम भैया की इस कुर्बानी को यूं जाया नहीं कर सकते ना। और आपको तो खुश होना चाहिए कि आप जैसी बहादुर पत्नियों की वजह से ही हमारे जो फौजी भाई हैं उनको हिम्मत मिलती है और हमारे इस देश की रक्षा कर पाते हैं। हाँ रश्मि, अब सही बोलती है। ज्यादा उदास मत हो, चलो भैया। और थोड़ा सा टेंशन भी था माइंड में, तो इसलिए मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी टेक इन, मतलब सच में 10 टेक लिए होंगे कम से कम। मैंने अच्छा मैंने ब्लॉग ऑन कर दिया, हो गया इसका। गाइस हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, आज ज़्यादा नहीं बनी है, सिर्फ दो, मतलब दो मेरी दो डिंकी की बनी है, और जो कि अपलोड भी हो चुकी है। तो जल्दी से जाओ और उस वीडियोस को खूब सारा प्यार दो। और आज थोड़ा ना मतलब एनर्जी नहीं आ रही है, मतलब वीडियो नहीं बन पा रही, और ऐसा नहीं कि मेरा ही, इधर भी नहीं है है ना। नहीं मेरी एनर्जी है नहीं, प्रोटा क्या प्रॉब्लम हुआ ना कि हमने पहले दो वीडियो बनाया, क्योंकि कल ही 26 जनवरी, हमारे पास टाइम नहीं था जैसे मैंने पहले बोला था, तो हम ना बीच में एडिट करके डबिंग करने लगे ना, तो वो थोड़ा ना एनर्जी हमारी वहाँ पे थोड़ा डाउन हो गई। और अभी ऑलरेडी 7:30 बज गए और ट्रेन में बहुत तंगे रहते हैं, आप मेरे व्लॉग देखते ही हो, बहुत ज़्यादा ड्रामे करती है ट्रेन, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है आज के लिए 4 वीडियो काफ़ी है, मतलब 2 मेरी 2 इनकी। तो अभी नेक्स्ट टाइम आऊँगी आराम से, टाइम से निकलूंगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम से निकलूँ ताकि मुझे यहाँ पे आ जाऊँ, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। और अभी डिंकी ने बना दिए चाय, तो मैं बस चाय पीती हूँ, और एक वीडियो की और डबिंग लेना बाकी है, तो वो लेके मैं फटाफट से फिर यहाँ से निकलती हूँ। ओके मैम। ओके बस मैं नयागांव स्टेशन पे पहुंच गई हूँ, और ना भाग भाग के आई ना, क्योंकि मैं डबिंग में इतना ज़्यादा खो गई थी ना कि मैं टाइम भूल गई, क्योंकि 8:35 की ट्रेन थी चर्च गेट वाली, नहीं तो फिर पूरा 1 घंटे के बाद थी, तो इसलिए मैं फटाफट से आ गई। और जल्दी जल्दी मैंने ये भी रिमूव नहीं किया, तो अभी इसको बैठे बैठे यहीं पर रिमूव करूँगी, क्योंकि जाके अभी खाना भी बनाना है, व्लॉग एडिट करना है और सारे काम। तो चलिए बस अभी सीट मिल गई आसानी से, जाते हैं घर पहुँचते हैं। तो गाइस मैं घर पे आ गई हूँ, और आए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है मुझे, क्योंकि 10:30 बजे आई थी, तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, क्योंकि सुबह सिर्फ मैंने वो बेसन का चीला और चाय खाया था, उसके अलावा कुछ नहीं खाया था, तो बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, तो मैंने फटाफट से आके खाना बना लिया, जो कि मैंने बनाया है दाल सुबह तक के लिए, मतलब कल तक के लिए, और रोटी। मेरा खाना बन गया है, अब मैं खाती हूँ और उसके बाद फिर व्लॉग भी एडिट करना है। तो बस आज का मेरा व्लॉग यही था, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा नहीं भी लगा होगा तो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे जल्दी से 1 मिलियन वाला बटन आए। तो चलो बस मिलते हैं अगले व्लॉग में, गुड नाइट, सी सून। Yeah.